भागलपुर पुलिस ने सड़क जाम और उपद्रव करने के मामले में 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सभी आरोपियों पर सड़क जाम करने, पुलिस पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। रविवार को संयुक्त भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विधि व्यवस्था DSP चंद्रभूषण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। DSP ने बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में 16 मई की रात सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के बीच भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सड़क जाम करने के बाद पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सड़क दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना में जो है कुछ उपद्रवी और असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है वहाँ पे बहुत ही पुलिस को क्या बोलते हैं उपद्रव वहाँ मचाया गया और पुलिस को और प्रशासन को बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्ब भी किया गया। उन लोगों के द्वारा जो है सरकारी कार्य में बाधा भी की गई, रोड जाम किया गया। इस कार्य को मतलब इस कार्य को देखते हुए जो हम लोग जो है फोटो और वीडियो के आधार पर जो है लोगों को चिन्हित करके प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के आधार पर जो है कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कि फिलहाल अभी रिमांड पर भेजा जा सकता है। और कुल 12 इसमें टोटल लोग नेम्ड है, इसमें 20 से 21 लोग नेम्ड है कार्य में, उसमें से 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इन लोगों को जो है अभी रिमांड पर भेजा। भागलपुर जिला प्रशासन ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए ई रिक्शा के लिए कोडिंग व्यवस्था लागू की है और इस व्यवस्था के तहत हर ई रिक्शा को एक निश्चित रूट दिया गया है और उसे उसी रूट पर ही चलना होगा। रविवार को भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में ई रिक्शा चालकों ने जिला प्रशासन द्वारा लागू की गई कोडिंग व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद ई रिक्शा चालकों ने पुराने ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष विशाल कुमार पर पैसा लेकर कोडिंग करवाने का आरोप लगाया है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि कोडिंग व्यवस्था से उनकी कमाई पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर के प्रदेश अध्यक्ष पवन फौजी का कहना है कि विशाल कुमार अवैध रूप से खुद को यूनियन का अध्यक्ष बता रहा है। विशाल का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है और उसके पास यूनियन का अध्यक्ष बनने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं ई रिक्शा चालकों ने कहा कि अगर जिला प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो वह नए सिरे से ई रिक्शा चालक यूनियन का गठन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। ड्राइवर के हड़ताल इसलिए हो रहा है कि हमारा जहाँ 3 नंबर गुमटी भी गई है, माने 3 नंबर के गाड़ी जहाँ खलीफा बागी धर गए या घंटा घर गए या तिलका माजी गए गाड़ी हमरो पकड़ा लो छे तो काहे पकड़ते कोई भी ड्राइवर के यू आज चले मीटिंग और हाई कोडिंग से कहीं भी आज जैसे संडे छे तो गाड़ी संडे के कहीं भी बड़ो गाड़ी के नो एंट्री नहीं छे, चाहे टोटो जही एतवार का पकड़ावे छे। कि एक विशाल शाह के द्वारा एक एसोसिएशन बनाया गया जो कि अनिबंधित है, क्योंकि वो प्रशासन को मालूम नहीं है। ट्रेड यूनियन बनाने से बायलॉज के तहत उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन में उसको निबंधित होना पड़ेगा, समझौता लेना पड़ेगा, CITU सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन से उसको जो ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी ट्रेड यूनियन बनता है, तभी संघ बनेगा। ऐसे जो है यहाँ कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गया है यूनियन। तो हम जो विशाल शाह से भी बात किए, हम बोले आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहे हैं और आपका रिपोर्ट आ रहा है कि आप 2,500 रुपया लेकर के 2,500 रुपया लेकर कोडिंग कर रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि ड्राइवर भागलपुर एसोसिएशन के दूसरा जो आदमी है आपका विरोधी, वो हमारे पास पक्ष रख रहे हैं, वो हमको निवेदन जो आवेदन देंगे वो आवेदन लेकर हम पटना मुख्य अपना कार्यालय में जमा करेंगे, तो आपके ऊपर हो सकता कानूनी कार्रवाई भी होगा। तो अभी जो है दूसरा यूनियन वाला जो अभी है जो मनोज सौसा विपिन जी सब है, ये हमको आमंत्रित किए, हम इनके लिए आए तो इनको अभी बताएंगे हम। यदि आप लोग को अभी आप लोग को यूनियन अपना रखना है, बनाना है आप लोग को, तो आपको आपको मेरे साथ समझौता लेना पड़ेगा, मेरे साथ ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन मेरे साथ करना पड़ेगा ऑल इंडिया के साथ, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। विशाल शाह जो है हमारे अध्यक्ष, वो कोडिंग कराए हैं, इस कोडिंग का हम लोग विरोध करते हैं। इस कोडिंग से हम लोग को चलने में नहीं बन रहा है, कमा नहीं पा रहे हैं आज इस हफ्ते से, बस यही परेशानी हम लोग। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मेरा कोडिंग खत्म हो जाए, जो पहले विधि विधान से चलता था गाड़ी उसी उपरांत चले, और प्लस पुलिस प्रशासन का भी सहयोग चाहते हैं। उसी कारण से विशाल बाबू अवैध रूप से अपने मनमानी ड्राइवर से बिना पूछे सलाह लिए उनके मन में जो आता है वो करके गुजर जाते हैं।
भागलपुर जिला विधिक संघ में शनिवार को संपन्न हुए चुनाव के बाद रविवार को वोटों की गिनती जारी रही। चुनाव पदाधिकारी मोहम्मद शमसुद्दीन के नेतृत्व में चुनाव कार्य से जुड़े अधिवक्ताओं के द्वारा मतपेटियों में मिले वोट को अलग अलग करने का काम दिन भर जारी रहा। चुनाव पदाधिकारी ने बताया कि सोमवार को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं इससे पूर्व शनिवार की देर रात डीवीए चुनाव संपन्न होने के बाद बंद पड़ी मतपेटी को कब्जाने के लिए अधिवक्ताओं का एक समूह स्ट्रांग रूम का ताला खुलवाने और उसमें रहने का प्रयास कर रहा था, जिसे स्थानीय पुलिस और युवा अधिवक्ताओं की सूझबूझ ने विफल कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जोगसर थानाध्यक्ष कृष्ण नंदन सिंह ने डीवीए स्थित वज्रगृह के बाहर फोर्स की तैनाती कर दी। बता दें कि डीवीए चुनाव में कुल 114 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटी में बंद है। चुनाव संपन्न हो गया है, इसके बाद ये स्ट्रांग रूम खुलने की बारी कहां से? स्ट्रांग रूम कभी खुलता है क्या? आप तो पूरा बात जानते नहीं, तो आप ही बता दीजिए ना, आपसे ही पूछ रहा हूं। ने यहां कहा क्या कहते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र से कि जिस कैंडिडेट को अंदर में सोना है अपना अपना नाम दें। कहाँ अंदर में सोना है? स्ट्रांग रूम तो उसके अंदर है। अच्छा ठीक, हॉल 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 की बात बोल रहे हैं आप? हॉल में जिसको सोना है देखने के कि इसमें कुछ तरह का ये नहीं हो, सारे कैंडिडेट लोग थे अपना अपना नाम दें। ठीक है, तो हमने कहा मेरा 5 आदमी उसमें सोएगा, नाम लिख लीजिए। कहा कि ठीक है, बाकी किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा कि मेरा लोग आप बताओ। हम बाहर से आए, हमने कहा कि भाई ताला लो, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ देख लूँगा कि अंदर में निवर्तमान महासचिव है, हाँ देख लूँगा कि ताला खुला हुआ है, अंदर को है तो नहीं, लोग का ऑब्जेक्शन होने लगा। 91 अधिवक्ता का गरिमा का सवाल है और उनके अस्तित्व की रक्षा करने हेतु हम चुनाव लड़े हैं और संवैधानिक रूप से जो भी बात होगी उसको पालन करवाएंगे और डीबीए की गरिमा बहाल रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे और यदि कहीं गरिमा पर ठेस पहुंचता है तो विरोध करना हमारा धर्म है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। रविवार की सुबह भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात महिला की समर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रियरंजन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। तलाशी के दौरान महिला के पास से किसी प्रकार का पहचान पत्र नहीं मिला है, जिससे पुलिस को उसकी शिनाख्त करने में परेशानी उत्पन्न हो रही है। आरपीएफ के पीयूष कुमार और सुल्तानगंज थाना के एसआई धनंजय कुमार ने बताया कि महिला रेलवे लाइन के किनारे चल रही थी, इसी दौरान तेज गति से गुजर रही समर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। हम लोग को रेलवे द्वारा सूचित किया गया कि कमरगंज स्टेशन के पास ट्रेन से एक दुर्घटना होकर एक महिला की मृत्यु हो गई है, तो उस सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए थे। तो यहाँ रेलवे द्वारा मेमो दिया गया हम लोगों को, उनके द्वारा बताया गया कि ड्राइवर ने स्टेशन पे बताया है कि एक महिला जो है ट्रैक पे चल रही थी, इसको हॉर्न मारा गया था, फिर भी हटी नहीं, उससे दुर्घटना हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अभी पहचान हुई है कि नहीं? अभी पहचान नहीं हुई है।
सुल्तानगंज प्रखंड के मिरहट्टी पंचायत में पान समाज के कल्याण समूह द्वारा आयोजित 9 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ धूमधाम से किया गया। कलश यात्रा मिरहट्टी पंचायत से प्रारंभ होकर अजगैबीनाथ गंगा घाट पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर गंगा जल से कलश भरा। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के साथ नाचते गाते मिरहट्टी पंचायत वापस लौटी। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालु जय श्री राम, जय वीर हनुमान और बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए उत्साह पूर्वक चल रहे थे। कलश यात्रा के समापन के बाद मिरहट्टी पंचायत में 9 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा।